उज्ज्वल सबल कांति में अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है। जय हो माँ, मैं आपके लिए बार बार नमन करता हूँ। ये क्या, जिस समय मैं आया था उस समय यहाँ पर कोई नहीं था, एकांत था, पर अरे 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 जो कटी वस्त्र था श्री दुर्वासा ऋषि जी का, जो कटी वस्त्र था वो गंगा जी में बेग से बह गया। अब क्या करें, संकोच बस निकल भी नहीं पा रहे हैं। अरे ये क्या गंगा के प्रवाह में, प्रवल धारा में जो मेरा कटी वस्त्र था, अंग वस्त्र था, वह बह गया। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? ठीक है, जब ये स्त्रियां स्नान करके चली जाएंगी उसके उपरांत ही मैं यहाँ से बाहर आऊंगा, नहीं तो मैं बाहर कैसे निकलूं? आप सभी जानते हैं मकर संक्रांति को बहुत सर्दी होती है, अब बाहर नहीं निकल सकते। बहुत देर हो गई द्रौपदी जी ने देखा, मैंने स्नान कर लिया, पीर सी ने चल रही है, ठंड भी बहुत पड़ रही है, क्या बात है? मुझे तो कुछ लगता है कि कारण है किसी ने, ये आपकी बेटी द्रौपदी आपको प्रणाम करते हैं। नहीं, ये बेटी कोई बात नहीं है, आगे कुछ आनंद ज्यादा आ रहा है, इसलिए मैं स्नान कर रहा हूँ। जाओ जाओ घर के लिए जल्दी चली जाओ। नहीं, इतना तो जानती हूँ कुछ ना कुछ तो कारण है, जब तक आप मुझे बताओगी नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। बताइए क्या कारण है बेटी, क्या बताऊँ? बात यह है मेरा कटी वस्त्र गंगा की धारा में बह गया। मैं निर्वस्त्र हूँ, मुझे संकोच हो रहा था कि तुम्हारे सामने मैं गंगा से बाहर कैसे आऊँ। यही संकोच के कारण मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। इसीलिए मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा कि आप जल में रहे। ठीक है, मैं आपको पत्र फाड़ के देती हूँ। नहीं नहीं, अरे बेटी ये क्या कर रही हो? अरे बेटी ये मेरी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ रही हो? नहीं नहीं बेटी, वस्त्र दान का बड़ा महत्व होता है। द्रौपदी जी ने आज एक संत को वस्त्र दान किया। बेटी ये तुमने क्या किया? मेरी साड़ी को गलत फायदा उठा रहा है, तुमने बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया। बेटी धन्य है तुम्हारे संत सत्कार के लिए, संतों के प्रति आदर भाव के लिए होगी, तब मेरा गोविंद आकर के तेरी लाज बचाएगा। ये संत का आशीर्वाद है, ये है दान का महत्व। द्रौपदी जी ने चीर दान किया, एक वस्त्र दिया संत को, तो आशीर्वाद पाया। नकुल, सहदेव, भैया भीम और अर्जुन को बुलाओ। ये धर्मराज जी, युधिष्ठिर जी, इनके पांच भाई हैं, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन आजादी के भाई। अर्जुन प्रसन्न रहो, भगवान वासुदेव आपका मंगल करें। भैया भीम आइए, आप लोगों से कुछ परामर्श करना है,
हमने जो राजसूय यज्ञ को सफल बनाने के लिए जो भी प्रबंध किए हैं वह अच्छे ढंग से सुचारू रूप से होने चाहिए। हम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इसमें हमारे आग्रह पर जो हमारे बहुत अच्छी बात है, हम ये है सभी आयोजन उन महापुरुषों के तत्वाधार में सफल बनाना चाहते हैं। हमारा ये राजसूय यज्ञ हमारी महानता बढ़ाने के लिए नहीं है, हमारी यह राजसूय यज्ञ एक इस तरह का आयोजन है जिससे कि हमारे जो छोटे छोटे राजेंद्रगण हैं वह भी सम्मान को प्राप्त करें। अब विलंब मत करो और जाओ द्वारिका नाथ के समीप जाकर के उनको आमंत्रित करके आओ। राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और मैं निमंत्रण पत्र देने के लिए सर्वप्रथम द्वारका नाथ के समीप जा रहा हूँ, माधव के पास जा रहा हूँ। और आपने एक दिन मुझसे कहा था कि यदि आप द्वारकापुरी जाएं तो मुझे अपने साथ लेकर के चलना, बड़ा शुभ अवसर है, यदि आप मेरे साथ चलना चाहती हैं तो चलो। हाँ, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। बोलिए श्री द्वारका नाथ की है। माधव, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे समीप किस लिए आए हो, कोई विशेष कार्य होगा? माधव, महाराज धर्मराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, उन्होंने आपके समीप मुझे निमंत्रण पत्र का लेकर के भेजा है और आपको वहाँ पहुँचना भी है, वहाँ जाकर के आपको सारी व्यवस्थाएं भी संभालनी है। अच्छा, महाराज धर्मराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, ये तो बड़ी सुंदर बात है। अर्जुन, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, समय से पहुँच जाना। हाँ हाँ, मैं समय से ही पहुँच की व्यवस्था आपको ही संभालनी है और हम सबको आपके ऊपर। अर्जुन, अभी कहीं और जाना है और राजाओं को पत्र देना है, उनको निमंत्रण देना है। द्रौपदी को मेरे समीप छोड़ जाओ। जी माता। अरे इधर पीछे। द्रौपदी जी और श्री द्वारका जी का भाई बहन का संबंध प्रेम करते थे तो कहा कि इनको मैं लेकर के आ रहा हूँ, तो मेरे पास छोड़ जाओ। चलो मैं आपको ये द्वारका का राज दिखाऊंगा। अपने महल दिखाऊंगा। जग में Thank you.
ऐसे उंगलियों का इशारा करते करते सबको दिखा रहे हैं, श्री द्रौपदी जी को दिखा रहे हैं। अचानक ही ऐसी कोई जगह आई जहाँ श्री द्वारकाधीश की उंगली में, ये तुमने क्या किया मेरे लिए, अपनी बहुमूल्य साड़ी फाड़ दी। कि आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या ये साड़ी आपसे बढ़कर के है? अरे लहू इस हाथ से टपके, लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई नई साड़ी, फकत एक बूंद पर कुर्बान है लाखों नई साड़ी। सगे घनश्याम, सगे घनश्याम आपके आवे कार, अरे कार तुम नसे, ये तो रेशम के तागे हैं पुराने, इन्हें दुर्लभ में मानू क्या, दुल्हन के जूड़े या दुल्हा के सागे हैं। अरे मैंने कहा फाड़ा चीर, वो तो देखते पीर होकर अभी मेरा चीर छोड़ भागे हुए अभागे, जो बड़े ने आगे कटी उंगली पर लागे भाग उंगली के जागे हैं। क्या ये साड़ी आपसे कट करके है? सदा हूँ भक्त के आधीन में प्रण अपना निभाऊंगा, आए भक्त पर संकट तो ना पग पीछे हटाऊंगा, दिया है भक्त का दान तो वस्त्रों के ढेर लगाऊंगा, होगी लाज संकट में तो आकर के मैं बचाऊंगा, इस ऋण को मैं अवश्य ही चुकाऊंगा। मेरा ऋण नहीं है आपने, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरा ऋण नहीं है, आप ऐसी बात क्यों करो? ठीक है दोस्ती, अब चलो इतर महलों में चलो। दो जगह द्रौपदी ने जी ने अपने वस्त्र का दान किया, एक बार स्नान करने अरे बात ही हंसी की है, हंसना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तभी तुम इतने मोटे हो रहे हो। ममाओ आगे अभी अर्जुन आया था कह रहा था दासु यज्ञ कर रहे हैं, मैंने पूछा किस लिए, कह रहा था तीसरे शांति के लिए। ममाओ ये पांडव तीसरे शांति के लिए यज्ञ नहीं कर रहे, धन की क्रांति को बढ़ाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, मुझे चलाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। मामा मैं इनके यज्ञ में नहीं जाऊंगा, जाना पड़ेगा। अर्जुन आया था आपके पास निमंत्रण देने के लिए है, हाँ लेकिन चिंता मत करो, जब हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है, तो ये राजकीय यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। नहीं के रहते हमारे मामा के रहते ये राजकीय यज्ञ पूर्ण हो गया तो हम तो डूब मरने की बात हो जाएगी। अरे ये यज्ञ तो क्या संसार का कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मामा हमें एक बलि के बकरे की आवश्यकता है, वो मैंने ढूंढ लिया है। अरे वो मैंने सुना कि अर्जुन शिष्यपाल के पास गया है निमंत्रण देने के लिए। अच्छा और शिष्यपाल को निमंत्रण दिया, शिष्यपाल भी आएगा और वो जो पांडव है ना वो कृष्ण के बिना कोई भी काम नहीं करते, तो कृष्ण भी उस सभा में आएगा और ये शिष्यपाल और कृष्ण दोनों की दुश्मनी है, और जहाँ कृष्ण वहाँ शिष्यपाल कैसे रह सकता है, इसलिए शिष्यपाल को मोहरा बना लेंगे। वाह मामा कमाल है तेरी बुद्धि के लिए, बस चिंगारी लगाने की आवश्यकता है, विलंब ना करो, चलो शिष्यपाल को पहले पकड़ते हैं। तू यज्ञ हो रहा है उसमें निमंत्रण देकर गया था, क्या विचार किया फिर, चलना है या नहीं? क्यों नहीं चलना है, जब आप मिल गए तो हम तीनों ही चलते हैं, तीनों देव प्रदेव जहाँ हो जाते हैं खड़े, तो बताइए वो शुभ काम दूर कैसे हो सकता है, दिन बिगाड़ा और काम बिगाड़ा। लेकिन ऐसा है शिष्यपाल, ये जो पांडव रात्रि यज्ञ कर रहे हैं ना, इनका उद्देश्य इनका लक्ष्य क्या है तुमको पता है?
ये तुमको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। और यदि ये राष्ट्रीय यज्ञ का पूर्ण हो गया तो तुम्हारे लिए धूम मरने की बात है भांजे। अरे ब्रह्मा जी चिंता मत करो, यदि राष्ट्रीय यज्ञ को हमारे द्वारा पूरा कराना चाहता है तो ये उसकी कल्पना है, हम इस कल्पना को कभी पूरा नहीं होने देंगे। दर्शन कर रहे हैं इसका क्या बैठने की, हम खड़े रहेंगे क्या? मामा जी आपके लिए विशेष व्यवस्था है, हो तो हम ले आए घर से। उधर आप सभी दर्शन कर रहे हैं, मध्य में बैठे हुए हैं हमारा सुयोधन और उनके समीप में मामा शकुनी, और उधर ये कौन है? ये कहाँ के राजा है? अर्जुन ये महाराज अभी तक द्वारकानाथ नहीं पधारे, ये सभी हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आ चुके हैं, लेकिन माधव आने में विलंब क्यों कर रहे? महाराज बस आते ही होंगे। इस हमारे राष्ट्रीय यज्ञ में आपका पधार पर हमारे लिए वंदनीय है, हम आपका स्वागत करते हैं। हम पांडवों से आपकी सेवा में कोई त्रुटि बन जाए तो आप क्षमा कर देना, हम आपके बल भरोसे पर हैं। अर्जुन माला पहनाओ। आप यहाँ पधारे हैं हमारा सौभाग्य है, अब हम पांडवों को क्या करना है और किसको क्या कार्य संभालना है ये आपके कुशल निर्देशन में ही संपन्न होगा। आप आज्ञा करें, मित्रता करें तो उसको शांत कराना है। ठीक है भैया भीम, प्रभु आपको भोजन की व्यवस्था संभालनी है, क्योंकि जो खाना जानता है वही खिलाना जानता है। क्यों आ गया फिर? ठीक है। अरे शांति की व्यवस्था तुम क्यों चला रहे हो? शांति तो मेरी घरवाली है, मैं व्यवस्था संभालूंगा। हमको क्या करना है? महाराज आपको सभी राजाओं का स्वागत करना है और दुर्योधन को राजकोष की सेवा सौंपते हैं। क्या भगवान? हाँ कोषाध्यक्ष बनाते हैं भगवान। ये आप क्या कह रहे हैं? ये दुर्योधन तो वैसे ही हम लोगों से ईर्ष्या रखता है और आपने इसे कोषाध्यक्ष बना दिया। अरे ये तो मनमानी करेगा, हमारे कोष को ही लुटा देगा। नहीं आप यहाँ ये गुप्त रहस्य की बात है, आप नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूँ। दुर्योधन है ना, इसके हाथ में श्री की रेखा है, ये जितना भी लुटाएगा उससे दो गुना चौगुना सौ गुना उसमें जमा हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात, नाम भी होगा और काम भी होगा। तो इसे आप दो चार बार बनाइए। एक बार उनको राजकोष की व्यवस्था दी गई है, खूब लुटाना खूब लुटाना, इनको बर्बाद कर देना। महाराज मैं अपनी सेवा बताऊंगा, बोलो बोलो बोलते रहो। दोनों हाथों से लुटाऊंगा, हाथ भी कम पड़ गए तो पैरों से भी लुटाऊंगा। महाराज चरण धोऊंगा, मन सभी की झूठी पत्तल उठाऊंगा,
ये क्या कह रहे हैं द्वारकानाथ, आप हमारे स्वामी हैं, ये कार्य हम ही संभाल लेंगे। नहीं महाराज, ये कार्य मैं ही करूंगा, इस सेवा को मुझे ही करनी। ठीक है भैया, जय चरण हो जाए। चरण धोने की सेवा, जो भी अतिथि आए हुए हैं उनके चरण प्रक्षालन करने की सेवा स्वयं श्री द्वारका जी ने संभाली है। और इसी को कहते हैं प्रेम। सबसे अनुमोदन कर दिया कि कृष्ण को ही धन तिलक होना चाहिए।